70 किलोमीटर से आधा इसकी स्पीड नहीं रहेगी नॉर्मल मोड के अंदर। ये देखो फुल एक्सीलेटर देकर रखे हैं लेकिन ब्रेक दबा हुआ है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा ब्रेक। और जैसे ही इको मोड में डालते हैं ना तो पावर डिलीवरी जो रहती है वो एकदम से ना के बराबर ही हो जाती। 1 2 3 तो भाइयों मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने साथ खड़ी ऑल न्यू ओला S1X। तो भाई आज के इस पूरे वीडियो में इसको राइड करेंगे, कैसी है भाई ओला की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल आपको यहाँ पे ईवी व्हीकल मिल जाती है जो कि ओला S1X। प्राइसिंग की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से लुक मिल जाता है, इसके अंदर आपको दो लाइट सेटअप मिल जाता है, इसके अंदर आपको कोई भी DRL नहीं मिलता है जो कि कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर आपको सिर्फ प्रोजेक्टिव लाइट सिस्टम मिलता है जो कि व्हाइट कलर में आ जाती है। फ्रंट से आपको कुछ इस तरह से दिख जाती है और साइड से बात करते हो गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। टायर सेक्शन की बात कर लिया तो आपको 90 सेक्शन टायर मिल जाता है जो कि 12 इंचेस है, जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे की तरफ मिल जाता है, यहाँ पे आपको ना इंडिकेटर देके रखे हैं जो कुछ इस तरह से, जो कि अच्छी बात है। और फिर आते हैं इसके साइड की तरफ, तो यहाँ पे ना आपको फ्लैट बॉटम मिल जाता है, ना कि पैर रखने की जितनी भी जगह ना पूरी प्लेन मिल जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है सेम एज वेल एज यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ये इसका हो जाता है मीटर कंसोल, ओला की एक लौती गाड़ी जिसके अंदर आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलता है। और फिर पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है ओला S1X प्लस की ब्रांडिंग, साथ ही में आपको यहाँ पे टेल लाइट मिल जाती है जबकि आप चेक कर सकते हो। और पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पे हब मोटर देके रखी है। तो इस ओला को राइड करेंगे, कैसी क्या परफॉर्मेंस है सारी बातें कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको राइड करना। तो इसको राइड करेंगे सारी मोड में, अभी पार्क में है तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। होल्ड ब्रेक करके आपको उसको स्टार्ट करनी है, तो नॉर्मल मोड पर आ जाते हैं, इसको राइड करेंगे सारी बातें करेंगे कैसी क्या है। तो इसको राइड करेंगे, सबसे पहले तो ट्रैफिक में मैनूवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है भाई इस बाइक की, बट ऑब्वियसली ईवी है तो कोई साउंड वगैरह इसके अंदर है नहीं। तो इसकी सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो जो प्राइसिंग आपको इसके अंदर मिलती वो है 89,999 रुपीज़ की आपको मिल जाती है एक शोरूम, और समवेयर अराउंड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। मैं अभी इंदौर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंदौर में मुझे पड़ती है 1,07,400 रुपये की ऑन रोड। तो भाई ये है ना ओला की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि 1,00,000 के लगभग आ जाती है, जितनी भी दूसरी बाइक है ओला की वो नहीं आती इतने में। तो इसकी जो पावर स्पेसिफिकेशन हो जाती है वो हो जाती है, इसके अंदर आपको मिल जाती है 3 kWh की बैटरी और साथ ही में जो आपको मिल जाता है इसके अंदर 6 kWh की मोटर। तो ये हो जाती है इसकी मोटर की बात, यानी कि बैटरी की साइज़। जो क्लेम रेंज है ना वो है 151 kg इसकी, लेकिन समवेयर अराउंड आपको रियल वर्ल्ड में देगी 120 kilometers की जो आपको रियल वर्ल्ड में यहाँ पर रेंज मिल जाएगी। तो भाई मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ लेकिन जिस तरीके से ओला डोमिनेट करी, जैसे यहाँ पे चेतक खड़ी है, अब वही की वही ओला हुई जो इस प्राइस रेंज में आ जाती है। 1,00,000 के अंदर आपको एस सच कोई सी गाड़ी नहीं मिलती है। तो देखो मेरे पैर कैसे टिके हुए हैं। तो इस गाड़ी की सैडल हाइट की बात कर लिया तो आपको इसके अंदर मिल जाती है 805 mm की सैडल हाइट, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करिए तो आपको मिल जाती है इसके अंदर 160 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। रेंज इसकी बैटरी जैसे मैंने बताई थी आपको 3 kWh की बैटरी, तो 151 kg की इसकी क्लेम रेंज है, और जो आपको रियल वर्ल्ड में देगी तो वो 125 km के लगभग ही दे देगी। तो इसको एक बार पुल भी करेंगे जैसे मैनुअल ट्रैफिक में करना है सच तो कोई इशू है नहीं, बस हाँ इसकी सैडल हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा आपको पैर में जैसे कम्फर्ट बहुत बढ़िया इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो नॉर्मल मोड में हूँ, नॉर्मल मोड में उसकी स्पीड चेक करते हैं। तो नॉर्मल मोड में स्पीड जो जा रही है 70 किलोमीटर से आधा इसकी स्पीड नहीं रहेगी नॉर्मल मोड के अंदर। और अगर आपको मोड चेंज करनी है तो आप यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स मोड में आ गए, स्पोर्ट्स मोड में पावर अलग सी फील होने लग जाती है, देखो बहुत बढ़िया पावर है। ब्रेक भाई कितनी बढ़िया ब्रेक है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बढ़िया ब्रेकिंग देखी, मतलब ये दूसरी गाड़ियों के कंपेरिजन में कितने ही बढ़िया ब्रेक इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो एक बार 0 to 100 ट्राई करते हैं। और भाई दूसरी मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाती है इजीली अवेलेबल, जैसे ओला की प्राइस है ना, यानी कि ईवी व्हीकल की बहुत बढ़िया प्राइसिंग पे आई है, 1,07,000 रुपये इसकी हो जाती है प्राइस। तो लेट्स गो, ये देखो आप देखो इंस्टेंट पिकअप तो है, लेकिन इसका एक चीज़ है कि जैसे आप है ना ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये कट ऑफ हो जाती पूरी। ये देखो मैंने एक्सीलेटर फुल देके रखा लेकिन कट ऑफ है, जैसे ही एक ब्रेक छोड़ूंगा ये चालू हो जाएगी चलना। पर इसमें ना एक थोड़ा सा इशू फील होगा कि आप जैसे अगर सपोज मान लीजिए आप ट्रैफिक में हो और हल्का सा ब्रेक कट होता है ना तो एकदम से पावर कट ऑफ कर देती है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है। जैसे मान लो किसी को ओवरटेक करो, आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई करा, वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद
ये एकदम से कट ऑफ हो जाती है इसकी पूरी पावर, तो उसकी वजह से ना एक थोड़ा सा डर इसके अंदर आ जाता है कि भाई एकदम से इसने पावर कट ऑफ कर दी है, तो वो थोड़ा सा एक इशू उसके अंदर हो जाता है। वैसे पुल करने में देयर इज नॉट एन इशू, और इको मोड में जो इसकी रेंज है वो समवेयर अराउंड आपको 125 किलोमीटर की देगी। अब वो इको रेंज आपको करने कैसे है कि इको मोड इसको ना प्रेस करके रखना है, तो ये इको मोड हो गई। और इसके अंदर ना स्पीड जो है ओनली 40 किलोमीटर्स के लगभग इसको फुल कर, मतलब 40 किलोमीटर्स पे इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखी, इससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं जाएगी जहाँ इको मोड की बात आती। अब जैसे मैंने इको मोड करी 54% में, यहाँ पे 67% बैटरी आपको बता रही है। ओला की इकलौती गाड़ी जिसके अंदर आपको टच नहीं मिलता है, और जैसे इको मोड में डालते हो ना तो पावर डिलीवरी जो रहती है वो एकदम से ना के बराबर ही हो जाती है, यानी कि एकदम लीनियन सी चलती है, कोई भी इसके अंदर आपको पिकअप फील होगा नहीं। लेकिन ब्रेक इसके बहुत बढ़िया है, और हॉर्न वॉन का बटन इसमें यहाँ पे ऐसे दे के रखा है, यहाँ से आप चाहो तो क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हो। 40 की स्पीड पे हो तो आप इसका क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हो। अब वो कैसे होगा मैं को बता दो, 40 पे चल रहा हूँ मैं, क्रूज़ एन ए लिखा रहा है क्योंकि इको मोड में है, तो एक बार ट्राई करेंगे इसको क्रूज़ पे भी करना। देखो इको मोड में आपको अगर ऐसे डेली अप डाउन के लिए चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से कि आप रोज़ इसको अप डाउन करो समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स, तो आपकी 40, 42, 43 के लगभग रेस्ट्रिक्टेड है इसकी स्पीड, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन उसमें ना आपको रेंज अच्छी दे देती है। अगर इसको चेंज करना है तो नॉर्मल पे आ गई, नॉर्मल पे आपको पावर मिल जाती है, और फिर अगर आपको स्पोर्ट्स चाहिए कि हाँ भाई जल्दी से गाड़ी भगानी है, तो स्पोर्ट्स की पावर मैं आपको बता दूँ कैसी है। ये देखो नॉर्मल में ही बहुत ज़्यादा इंसेन पावर है, पुल तो अच्छा खासा है, पर यह है कि वो 70 पे जाके ना गाड़ी को पता चलता है 70 आ गई तो वो एकदम से पावर ना रेस्ट्रिक्ट कर देती है। और ऐसे लीनिंग वगैरह में भाई ब्रेक्स बहुत ज़्यादा स्टपेंडस है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रेक है इसके। और इसको अगर चाहें तो स्पोर्ट्स में डालना है तो कुछ इस तरह से स्पोर्ट्स में हो जाती है, फिर पावर किक इन। देखो ये देखो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया पावर है आप जब इसको ऐसे राइड करते हो तो। बस एक चीज़ है ना जो मुझे पसंद नहीं है ओला के बारे में, वो है इसका जो एकदम से इंजन कट पावर कट ऑफ हो जाती है ब्रेक को दबाते से। ये देखो फुल एक्सीलेटर देकर रखा है लेकिन ब्रेक दबा हुआ, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी गंदी लगती है क्योंकि ना डरा देती है, जब मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे किसी को ओवरटेक करते हो हल्का सा ब्रेक अप्लाई करा पावर कट हो जाती है तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है आप अगर थोड़े से रिस्की ओवरटेक करते हो। लेकिन पिकअप ये देखो, तो भाई यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू ऑन ओला, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से चीज़ें मिल जाती है, पावर बढ़िया आपको इसके अंदर मिल जाती है, और आपका अगर डेली रूटीन है ना, मतलब आपको एक लाख के लगभग में बाइक चाहिए, मतलब एक ईवी चाहिए। और हाँ एक और चीज़ है कि सस्पेंशन बहुत बढ़िया, अगर आपको ऐसी ना एक गाड़ी चाहिए जिसका वो चलाओ ईवी और आपको प्राइस रेंज में मिले, क्योंकि ओला की मोस्ट अफोर्डेबल है, क्योंकि ओला का जो टॉप वेरिएंट यानी कि प्रो जो आता है वो आपको पड़ता है 1,70,000 रुपये का, उसके नीचे वाला जो वेरिएंट आपको पड़ता है समवेयर अराउंड 145-150 के लगभग, और ये इकलौती गाड़ी जो आपको पड़ जाती है 1,07,000 रुपये ऑन रोड में। तो यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू ऑन न्यू ओला। एक बार अपने कमेंट में विचार बताना आपको कैसी लगी, और एक और बार ना इसकी एक बार टॉप स्पीड मार देते हैं ये कितनी जाती है स्पोर्ट्स में। लेट्स गो। 90 किलोमीटर से रिस्ट्रिक्ट करके रखिए तो समवेयर अराउंड 90 ही जाएगी। तो 90 जाना भी थोड़ा सा यहाँ टफ लग रहा है, 90 भी नहीं जा रही, 89 पे ही लग के रखी है, 90 भी नहीं जा रही। तो बस 90 तो नहीं गई थी, पर ऐसे मनूवर करने में कोई भी इशू इसको आता नहीं इसके अंदर। बस ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कट ऑफ होती है ना, एक बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ लगती है। इंडिकेटर वगैरह देना है तो आपको यहाँ पे बटन देके रखें, सब कुछ इस तरह से इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे सारी ना थोड़े से जो बटन है ना सब आपको एक बार इसका नहीं टॉप स्पीड मार ही लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 3। टॉप स्पीड इससे ऊपर नहीं जा रही, 89 बस। ब्रेक बहुत ज़्यादा शानदार है। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में, अगले किसी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिल्ला आयुष को। धन्यवाद।